Hello, bachcho. Let's understand the question first. The question says, suppose that intensity of a laser is 315 upon pi watt per meter square. The RMS electric field in unit volt per meter associated with it, with the source, is close to the nearest integer is. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी अगर निकालना चाहे दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी. ये हो गया हमारे पास. ठीक है, तो ई नॉट का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में, वो हो जाएगा 2I0 अपॉन सी इनटू एप्सिलॉन नॉट हो गया. ठीक है, ये हो गया. अब मुझे चाहिए ई नॉट, मेरे को चाहिए आरएमएस वैल्यू. तो आरएमएस मतलब ई नॉट बाय √2. तो e नॉट बाय √2 मतलब यहां पर हो जाएगा e नॉट का वैल्यू कितना है, सॉरी ये हो गया अंडर रूट में. तो e नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i नॉट या i सॉरी तो i अपॉन c एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए हम यहां पर सारी. i का वैल्यू मुझे गिवन है यहां पर 315 pi into 1 upon 8.85 into 10 to minus 12 into epsilon naught c ka value ho gaya hamare paas 3 into 10 to 8. to isko agar solve kare to ye milega humko 194.4. to answer ho jayega, approximation agar dekhe to that is 194 hi banega hum log, that is 194. nearest integer is, to nearest integer ki agar baat kare 194 ya fir agar point ke sath rakhu to pehle that is 194.4. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.